ये है कांग्रेस नेता और पूर्व यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला। फटे हुए कुर्ते और लाठियों के निशान देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इनके साथ किसी की लड़ाई हुई होगी, लेकिन लड़ाई किस बात से हुई है ये बात सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश शुक्ला का आरोप है कि इन्होंने भगवा कुर्ता पहना था, इसीलिए इनकी पिटाई कर दी गई। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये घटना है अमेठी जिले के दुर्गापुर कस्बे के कांग्रेस दफ्तर की, जहां उन्हीं के नेता अखिलेश शुक्ला ने अमेठी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। अखिलेश का आरोप है कि वो भगवा कुर्ता पहनकर दफ्तर पहुंचे तो उन्हें बीजेपी का एजेंट बताकर उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई, जिसमें उन्हें काफी चोटें आईं। उपाध्यक्षता में आज मैं अमेठी में तगादा करके लौट रहा था। कांग्रेस कार्यालय गेट के सामने जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम, उनके साथ लोहा सिंह, समीर और अज्ञात अमेठी टाउन के कुछ मुस्लिम लोग हमको कांग्रेस कार्यालय बुला के ले गए। मैं भी कांग्रेस का पदाधिकारी था वहाँ पे। बोले कि आप क्यों प्रचार नहीं कर रहे? हमने कहा भैया हम बिजनेस में व्यस्त हैं, हम इस समय प्रचार नहीं कर पाएंगे किसी का, हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं। तो वहाँ पे बोले कि भगवा कलर पहन के चल रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हो क्या? हमने कहा नहीं, बीजेपी के एजेंट नहीं, हमारा ब्राह्मण का कलर है, ये भगवा कलर नहीं है। उसी को लेते हुए हमसे बहस किए। फिर प्रदीप सिंघल के इशारे पर हमें शुभम सिंह, विजय सिंह लोहा, समीर और दो तीन लोग टाउन के सब लोगों ने हमें राड से हमारे शरीर के ऊपर, पीठ के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, फेस पे हमला किया और हमें मारा। मैं यही न्याय चाहता हूँ, हमें न्याय मिले इस केस में, बस यही मैं इतना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शुभम सिंह ने भी एक वीडियो जारी करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि उन पर गलत आरोप लगा है। उन्होंने अखिलेश शुक्ला पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। जैसा कि एक वीडियो जारी हुआ है हमारे संगठन के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला के द्वारा, जो कि जिस तरीके से वो वीडियो बनाकर हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं और गलत आरोप ये भी लगा रहे हैं कि प्रदीप सिंघल जी के सामने यह साक्षात गलत है। एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कार्यालय के बाहर निकला, ये इनके माध्यम से हमें हमारे ऊपर गलत टिप्पणी की गई, हमारे माता बहन भाई सबको गाली दिया गया कि हमें क्यों नहीं बुलाया जाता प्रचार में। मैंने इनको कहा कि आप संगठन के उचित पदाधिकारी हो, आपको मैसेज भेजा जाता है, सब कुछ भेजा जाता है, आप क्यों नहीं आते हो। इसके माध्यम से हमें फिर बदतमीजी से पेश आने लगे और कहने लगे तुम्हारी पूरी नेतागिरी निकाल दूंगा मैं। हमारे से झड़प किए, हमारे से बदतमीजी किए, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला और ये कह के चले गए कि आपको बुरे तरीके से मैं फंसाऊंगा। जिस तरीके से ये डंडे और लाठी की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, हम एक समाज सेवा हैं करने वाले लोग हैं, आधी रात में लोगों के बीच में उपस्थित रहने वाला इंसान हूँ, क्या इसी तरीके से फंसाएंगे हमको? आप बताइए मैंने क्या गलत किया। हालांकि इस घटना के बाद अखिलेश शुक्ला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।